ट्रोलर्स के निशाने में आई दीपिका पादुकोण। एक समय था जब रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण के चर्चे आम थे, लेकिन दोनों का रिलेशन ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाया। हालांकि ब्रेकअप के बाद भी दोनों एक दूसरे को अपना अच्छा दोस्त मानते हैं। हाल ही में रणबीर कपूर का बर्थडे था और इस मौके पर रणबीर ने अपने करीबी दोस्तों को पार्टी में बुलाया था, जिसमें दीपिका पादुकोण के अलावा करण जौहर, शाहरुख खान, आमिर खान, अनुराग बसु, जोया अख्तर, प्रीतम, आदित्य रॉय कपूर जैसे सितारों ने शिरकत की। अब इस पार्टी के दौरान दीपिका की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसे लेकर वो ट्रोल्स के निशाने पर आ गई हैं। फोटो में दीपिका कार में बैठी हुई हैं और वो ब्लैक ड्रेस में काफी खूबसूरत नजर आ रही हैं और कैमरे की तरफ देखकर वेव भी कर रही हैं। तस्वीर में उनकी आंखें थोड़ी सी नशीली नजर आ रही हैं और लोग उन्हें नशे में समझकर सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर चुके हैं। एक यूजर ने लिखा नशेड़ी लुक, दूसरे यूजर ने लिखा फुल शराबी। लोग इस तरह के कॉमेंट्स दीपिका की वायरल फोटो पर कर रहे हैं। लेकिन इन बड़े सितारों को ऐसे ट्रोल्स की आदत पड़ चुकी है और इस बात से उन्हें ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। दीपिका के वर्क फ्रंट की बात करें तो कुछ समय पहले ही उन्होंने फिल्म छपाक की शूटिंग पूरी की है। इस फिल्म में वो एसिड सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल के रोल में नजर आएंगी। इस फिल्म में वो लीड रोल में ही नहीं बल्कि वो इससे प्रोडक्शन में भी कदम रखने जा रही है। इसके अलावा दीपिका स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 83 में भी नजर आएंगी। इस फिल्म में रणवीर सिंह पूर्व क्रिकेटर कपिल देव के रोल में नजर आएंगे। फिल्म का डायरेक्शन कबीर खान कर रहे हैं। फिल्म 83 की कहानी में इंडियन क्रिकेट टीम द्वारा जीते गए 1983 वर्ल्ड कप की कहानी को बयान किया जाएगा। ये एक मल्टी स्टारर फिल्म है जिसमें दीपिका, रणबीर के अलावा हार्डी संधू, पंकज त्रिपाठी, साकिब सलीम, ताहिर राज भसीन, चिराग पाटिल, जतिन सरना जैसे स्टार्स भी नजर आएंगे।